आपकी नियत में फैसला अजीम ने आपके ऊपर अजीम की टीम ने आपके ऊपर जब दबाव बनाया उसके दल में आपको लगाया है, लगाया तो क्या लगाया पग लेखन दिया है, चौक चौकुआ लहिंगा में दो पचास में लगा दिया, 4300 रुपए का फंड था, 4300 रुपए का फंड था, 660 रुपया का थर्ड क्लास का व्यक्ति लगा करके पॉकेट में भर लिए, वो काम किया है आपने। आचार संहिता लगने से पहले एक हफ्ता पहले आप लगाते हैं, आचार संहिता लगने के एक हफ्ता पहले लगाते हैं, आप फोटो खिंचवाते हैं कि हमने स्ट्रीट लाइट लगवा दिया, अरे भैया क्योंकि आपका मैं बतिया कैसे खराब हो गया, अगर आप दावा करते हैं आगे भी हम जीतेंगे बतिया का गारंटी होगा, आप इसी समाज के हैं जीते हैं, अगर आपका नियत साफ होता बतिया का गारंटी है बतिया निकलवा के मतलब चेंज करवा दिए होते, आपका नियत ही साफ नहीं है। देखिए देखिए कहता है विकास किए है, हाँ विकास तो किया है, हर चौक चौराहे पर हर चौक चौराहे पर 10-20 ठोकाल करके रखे हुए हैं, उनको रख करके मार दंगा कराने के लिए जो खड़ा किए वो ही विकास किया है। अगर कल विजय का हमारे समाज का कोई भी बच्चा चाहता तो वही बीमार होता, पूरी समाज ने देखी है उत्पाद को किस तरह से भड़का करके एक भाई को भाई से लड़वाने का काम कर रहा है, उसको भी मालूम है कि यहाँ पे अजीत का ऑफिस है, ऑफिस के सामने ले आ गए एक बचवा को बचवा करके एक भाई को भाई से लड़वाने का काम कर रहा है, ये जनता को समझने की जरूरत है। देखिए हम उनके तरीके से नहीं नहा भैया, हम तो समाज के बेटे हैं, हमारे कोई भाई अगर गलती करता है तो हम उनको समझाएंगे, अजीम का कोई भी आदमी कहीं भी झगड़ा नहीं करेगा, अजीम का कोई भी सहयोगी कहीं भी झगड़ा नहीं करेगा, इस चीज की शिक्षा हम रोज देते हैं, इसलिए झगड़ा कल नहीं हुआ। कहता है विकास कैसे किया जाता है, अरे उसको समझाते कि इस तरह से झगड़ा नहीं करना है, आप विकास करते तो आपको उस तरह से फूट डालने का जरूरत नहीं पड़ता, लोगों के पास दर दर भटकने का जरूरत भी नहीं पड़ता, आप विकास तो किए हैं लोगों के मन में डर आतंकित करने का ही विकास किया है, उसके अलावा कुछ नहीं किया। कहते हैं हम विकास किए हैं, हाँ विकास किए हैं, कहते हैं हम विकास किए हैं, विकास किए हैं, विकास तो किए हैं, लोगों को मानसिक रूप से गुलाम बनाने का प्रयास किए हैं, आज से 200 साल पहले अंग्रेजों ने शासन किया था इसी तरीके से फूट डाल करके शासन किया था, बस उसी तरीके से आज ये भी लोगों के अंदर फूट डाल करके शासन करने का ही विकास किया है और कुछ नहीं किया है। बोलने के लिए बहुत कुछ है, तीन उम्मीदवार है ना, कोई उम्मीदवार करने की जरूरत नहीं है, तीन तो उम्मीदवार आपके पंचायत में है, एक इधर है एक उधर है और एक इधर है, सात वार्ड में कोई भी उम्मीदवार इस तरीका से स्टेज पर खड़ा होकर के एक चौकी पर टेबल पर खड़ा होकर के आपके सामने नजर से नजर मिला के कह रहा है कि हम ये करेंगे, आपको इस पर विश्वास करने की जरूरत है कि हाँ वो करेगा, अगर वो आपको लिफाफा थमाता है तो समझ लो कि वो आपका काम करने के लिए नहीं आपको खरीदने के लिए आया है, अगर वो आपके सामने एजेंडा नहीं लेकर के आएगा, अगर ये आपके सामने एजेंडा लेकर नहीं आएगा लिफाफा लेकर के आएगा तो 5 साल के बाद क्या पूछेगा, अरे मुखिया जी काम में कहते काम करेंगे, हम तो तुम्हें लिफाफा दिया था, काम कहाँ अपने बर्जिश में करेंगे, कहाँ कहाँ लूटना है वो इसे लूटेंगे, आप उसे नहीं पूछ सकते हैं, दूसरे के लिए आपका बेटा आपके सामने एजेंडा ला रहा है, आपके बेटा से पूछ सकते हैं, इसलिए आपके बेटा को सहयोग करें। देखिए समय लेट हो रहा है, लोग काम तो बहुत है बनाने के लिए, समय लेट हो रहा है, फिर दूसरे दिन मौका मिलेगा आपको हम बखान करेंगे इसका,
कि उसने क्या क्या किया है। अगर एजेंडे पे बहस करना है तीनों उम्मीदवार को, तीनों है ना, तीनों उम्मीदवार को स्टेज पर लगा लीजिए, डिबेट करवा लीजिए, जो आपके समाज के लिए सक्षम है आप उसको चुनने का काम करें, अपने को चुनने का काम करें, एक को चुनने का काम करें। देखिए आपके खून में उबाल आ रहा है कि उसने भ्रष्टाचार किया है, विजय के जनता के खून में उबाल आ रहा है कि उसने भ्रष्टाचार किया है, इसे पता चलता है आपका जमीन जिंदा है। इस जमीन को जिंदा करते हुए आपके समाज में एक ईमानदार स्वच्छ सभी का आदमी है उसके ऊपर लगाइएगा तब ना आपकी मर्दांगी। कौन सा जमीन है आपका? चंपापुर में था तो छीन के हम मधुबनी में दे दे देंगे, कौन सा मर्दांगी है भाई? तक आके सामने कहिए तो आपकी मर्दांगी कौन सी है कि आपका क्या चंपापुर से छीन लेंगे हम ताकत के बल पर, वोट के बल पर, वोट के बल पर छीन लेंगे और मधुबनी को दे देंगे। भाई आप कहाँ हैं? आप बीजेपी में रहा, आप बीजेपी में दे दीजिए भाई। 10 साल उधर रहा, 10 साल उधर रहा, विजय पंचायत है, 5 साल विजय को मौका दीजिए। आपके बीच का, आपके समाज का एक बेटा खड़ा है, दावे के साथ कह रहा है ये करेंगे, अगर नहीं करेगा 5 साल के बाद ये अजीम वादा करता है कि आपके पास वोट बैंक नहीं आएगा। भले 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 स्टेज से हम वादा करते हैं कि 5 साल के बाद में हम चुनाव में आपसे वोट मांगने नहीं आएंगे, अगर हारते हैं तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, जीतते हैं तो हमारा विकास आपसे वोट ले लेगा, हम आपके पास वोट मांगने नहीं आएंगे। देखिए खेत जोताता है, देहाती भाषा में कहिए, विजय के खास करके विजय के लेकर ये सोचने की जरूरत है, खेत जोताता है, 20 साल पहले खेत जोताया, बहुते ढेला था बीच में, 22 में खेला, खड़ा हुआ, अपना बल दिखाया, अपना ताकत दिखाया, जीत हासिल नहीं हुई, वो ढिलवा धीरे धीरे फिरते 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 पिछले चुनाव में 5 बार गया, इस चुनाव में पूरे विजय में एक तो ढेला है, 7 वार्ड में एक ढेला है, वो ढेला दो उस ढेला को आपको बचाने की जरूरत है। अगर इस बार वो ढेला फूट गया, मिट्टी में मिल गया, तो भैया आपका इज्जत मिट्टी में मिलने वाला है, इस चीज को सोचने की जरूरत है। अगर कोई 2000-4000 का लालच आपको देता है तो देखिए विजय का वो ढेला फूट जाएगा, इतना बुद्धि आपको भी अल्लाह ताला ने भगवान ने सोच दिया है कि विजय का ये ढेला फूटेगा तो अगले बार जुटाने के लिए कीचड़ फैल चुका होगा, ढेला पैदा नहीं होने वाला है क्योंकि कीचड़ समाज में फैल चुका होगा, कीचड़ में ढेला नहीं बनते हैं। इसलिए समाज को सोचने की जरूरत है, विजय में एक है, नेक है, स्वच्छ है, समाज को उम्मीदवार कैसा चाहिए? वो भ्रष्टाचारी नहीं है, दलाल नहीं है, चोर नहीं है, बदमाश नहीं है, झूठा नहीं है, लबड़ा नहीं है, रंगीबाज नहीं है, तैयास नहीं है। अगर हमारे अंदर वो कमी है, आप हमको चौराहे पे आके झूठा मारिए, अलीम तू झूठा है, लबड़ा है, चोर है, छिनार है, दलाल है, तुमको नहीं चुनेंगे। अगर हमारे अंदर वो कमी नहीं है तो आपसे हाथ धो के निवेदन है कि इस ढेला को बचाइए, नहीं तो ये ढेला दोबारा नहीं मिलेगा। देखिए समय बहुत हो चुका है, अपने बाजी को समाप्त करते हैं, फिर दूसरे दिन एक सजेस्ट किया है कि जैसे नॉमिनेशन होता है हम समाज को बैठाएंगे, आप तो इरादा कीजिए उसमें बैठे, दो शब्द आप कहे, दो शब्द हम हमसे सुने, दो शब्द गांव के बुद्धिजीवियों का सुने। हमारे साथी 25 साल पहले इनसे हमने पढ़ा था, आज से 25 साल पहले इनसे पढ़ा था, हमारा बिहार भी इनको लेकर के आया है, पूरे विजय के अंदर कोई संपत्ति है जो इनको खरीद सके, हमारा व्यवहार इनको लेकर के आया है, ये अपने शिष्य अपने चेला अपने बेटा के लिए आया है, उनका तहे दिल से धन्यवाद, विजय के आप तमाम लोगों का बहुत 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 धन्यवाद। आप विचार कीजिए, एक चुनना है इसलिए नेक चुनना है। जय विजय की जनता, जय विजय पंचायत, अल्लाह हाफिज, जय श्री राम।